पाया मैंने पाया तुम्हें सबसे छुपाया तुम्हें सपना बनाया तुम्हें नींदों में बुलाया तुम्हें तुझ में किनारा दिखे दिल को सहारा दिखे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द काजी व्लॉग्स। तो गाइस आज हम जा रहे हैं कजाकिस्तान एम्बेसी बिश्केक। तो क्यों जा रहे हैं, क्या काम है, फर्दर डिटेल आप वीडियो के एंड पे देंगे। तो इस वक्त मेरे साथ हैं अमीर सुल्तान और हमारे लीडर साथ उसका फ्लैट है हमारे नज़दीक। तो थोड़ी देर में उसको पिक करते हैं फिर आगे अपने सफ़र का आगाज करते हैं। तो आइए दिखाते हैं आपको कजाकिस्तान एम्बेसी बिश्केक। हमने अपने लीडर को रिसीव कर लिया है। ये है आवाज भाई हमारे, अस्सलाम वालेकुम। इससे पहले यार एक भाई थे साजू कुलैन भाई, तो इन्होंने पाकिस्तान का टूर करना है। तो अभी हम आया हैं टूर एंड एक्सपर्ट पे यहाँ पे टिकट का पता करने के, कोई मुसलसिल टिकट मेरे और हम पाकिस्तान की तरफ रवाना हो जाएं। हम नहीं, साजू कुलैन भाई। तो यार हमारे वहाँ पे रेट्स नहीं बने, तो अब हम जा रहे हैं पेजासस एयरलाइन पे। बस सामने पहुँचने वाले हैं पेजासस पे। तो पेगासस एयरलाइन के सामने और इनका जो यहाँ पे ऑफिस है, अभी हमारे भाई की हमने टिकट करवाई है पेगासस एयरलाइन के थ्रू। तो अब बुक करवाई है, अभी पेमेंट नहीं दी, पेमेंट हम देंगे कल या परसों। तो काफ़ी अच्छी टिकट मिल गई हमें तकरीबन $200 के अंदर, यहाँ से कराची से फिर यहाँ से टर्की से फिर कराची। तो पाकिस्तान बुला रहे हैं उनको, फिर पाकिस्तान में वो जा रहे हैं। तो इस वक्त हम यहाँ से अब जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कजाकिस्तान एम्बेसी में थोड़ा बहुत काम है। एक दोस्त हैं अमीर भाई हमारे, उनका इटली का पासपोर्ट है, तो उसके बारे में वहाँ से जाके थोड़ी मालूमात देनी है। तो चलते हैं फिर कजाकिस्तान एम्बेसी। तो ये हमारे पीछे है इस वक्त यहाँ का पार्लियामेंट हाउस, देख ले गौर से देख। पे है यहाँ का पार्लियामेंट हाउस, वाइट हाउस। तो तकरीबन आज से 2 माह पहले जब यहाँ पे इलेक्शन हुए थे, तो यहाँ के लोगों ने सदर को मंजूर नहीं किया था, तो इस पूरे को आग लगा दी थी और यहाँ जितनी भी बाढ़ थी वो सारी ख़त्म हो चुकी है। तो अब दोबारा से इसको रिपेयर किया गया है, तो नया इलेक्शन यहाँ पर हुआ था लास्ट मंथ। तो उस वक्त से यहाँ पर हालात ठीक हैं किर्गिस्तान के। तो ये मेरे पीछे फिर है वाइट हाउस यहाँ का, ना लाइक अमेरिका। तो अभी फिर टैक्सी आ गई है, तो टैक्सी में फिर बैठते हैं, फिर चलते हैं कजाकिस्तान एम्बेसी। किर्गिस्तान खूबसूरती के लिहाज से तो काफ़ी प्यारा है, काफ़ी हसीन है, लेकिन जब यहाँ पे ऐसे हमारे खूबसूरत भाई तस्वीर बनवाते हैं तो ये और भी हसीन तरीन हो जाता है। तो अगर हम बात करें तो इस नसीन नज़ारों में कुछ लोग और भी ऐड होना चाहते हैं, तो जैसे हमाद भाई हैं हमारे साथ, ये मेरे लीडर हैं, मेरे बहुत अजीज़ हैं, मेरे बहुत करीबी हैं, और ये रुकनैन भाई हैं, बहुत अच्छे हैं यार, सीरियसली कोई भी काम हो आप इनको इनसे आप रब्ता करें। तो ये पीछे क्या था अभी है आए हैं कजाकिस्तान एम्बेसी, तो इसने हमें कहा है आप 2 घंटे वेट करें, खाने का टाइम है। तो हमने इसे कहा है भाई ये पाजल उस्ता, तो ये कहता है इधर आओ तो मैं कुछ बताता हूँ मैं। ये व्हाट्सएप नंबर दे रहा है कि आप इस पर रब्ता करके आइएगा जब भी आपने आना हो। कजाकिस्तान एम्बेसी है, ये इसका मेन गेट है, सामने फ्लैग लगा हुआ है। तो ये सारे स्कैंडल आती है, बहुत प्यारी जगह पे है कजाकिस्तान एम्बेसी। कजाकिस्तान एम्बेसी के बाहर खड़े हैं, हमने तकरीबन अब 2.5 घंटे यहाँ वेट करना तब जाके एम्बेसी खुलेगी। तो अब हम सोच रहे हैं हम कहाँ जाएं, तो आगे जैसे चलते हैं फिर आपको आगे अपडेट देते हैं।
थोड़ी बहुत बिश्केक के वाले से बातचीत कर ली जाए कि बिश्केक की खास बात यह है कि बिश्केक जो है किर्गिस्तान का कैपिटल है और किर्गिस्तान का शुमार दुनिया के तीसरे खूबसूरत तरीन और ट्रैवलिंग कंट्रीज में होता है, टूरिस्ट प्लेसेस में होता है। तो इस लिहाज से बिश्केक काफ़ी प्यारा है, काफ़ी हसीन है। गर्मियों में इसकी जो हसन नज़ाकत है काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। भाई इस्लामाबाद इस्लामाबाद है, इस्लामाबाद का कोई मुकाबला नहीं। ये हम है, ये बिश्केक है और यहाँ हमारी ख्वारी हो रही है। ये सामने बिल्डिंग्स हैं और सामने पहाड़ है। सर्दियों में काफ़ी हसीन नज़ारा होता है यहाँ पे ग्लेशियर की वजह से। सामने फ्लैट्स हैं और वो देखें तो सामने ग्रीनी ग्रीनी थोड़ी है पहाड़ों पे। तो ये भी सामने फ्लैट्स हैं और ये हैं मेरे फ्रेंड्स। हमारी अब मर्सिडीज बेंज आ गई है, बड़े खुश हो रहे थे कि मर्सिडीज आ रही है। ये मर्सिडीज बेंज आई है। जरा सोचिए भाई के तो वहाँ से तकरीबन टाइम बजा था उस वक्त 2 बजे, तो हम इतने में आ गए यहाँ पे। एक यूनिवर्सिटी है असलम भी को, तो उसके एक हॉस्टल था, वहाँ पे लड़के से मिलना था। तो वहाँ से अब लड़के से अभी हमारी मुलाकात हुई है। तो अब हम दोबारा भैया अपनी मर्सिडीज़ में जा रहे हैं। लेवल है भाई मर्सिडीज़ का, लेवल है मर्सिडीज़ के मामले पर कोई कमेंट नहीं आना चाहिए आप लोगों के। पार्टी कर रहे हैं हम लोग, पार्टी खा रहे हैं। दिस इज़ माई लीडर, प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक शेयर एंड कमेंट। यार इनका ना टिकटॉक पे बहुत बड़ा चैनल है, बहुत बड़ा चैनल है, अकाउंट है। क्या नाम है? आई एम हमाद 101 101। इंस्टा भी यही है, सो फॉलो करो इंस्टा पे भी और टिकटॉक पे। यार मुझे तो करते नहीं हो यार, इसको तो फॉलो कर लो यार। मेरे बारे में कैसा कंटेंट है इसकी कल एक वीडियो आई है 14 फेब की आई है, बहुत आउट क्लास थी यार। ऐसे हाथ में फूल पकड़ा हुआ था और थैंक यू। कजाकिस्तान एम्बेसी का प्रोग्राम जो था हमारा वो कल पे चला गया, तो उस वक्त हम जा रहे हैं कोर ट्रैवलिंग एजेंसी के पास, क्योंकि हमारे पहले वाले ट्रैवल एजेंसी के साथ हमारी कुछ खास बात नहीं बनी थी। तो तो अब फिर एक और के पास जा रहे हैं। कैपिटल में एक काम बहुत ज़्यादा है कि यहाँ पे आपको हर 1 किलोमीटर के फासले पे स्टॉक लगेगा यहाँ पे करेंसी चेंज शॉप्स की। मेरे बैक साइड पे देखें और ये देखें शॉप्स हैं। अभी हम आ गए हैं, ये है जी किस्मत ट्रेवल्स। तो यहाँ से कोई पता करते हैं, कोई हमारा बंदोबस्त बन जाए हमारे दोस्त का। हमारे भाई का काम हो गया, तो ये है यहाँ का बस स्टॉप कैपिटल का। तो ये सारे खड़े हैं मशरूत के, तो थोड़ी देर में भी ट्रैम आ जाती है, तो फिर ट्रैम पे चलते हैं। पाकिस्तान की याद तो आई होगी छल्ली को देखकर। रैंड में इसके अंदर ढूंढते हैं वो कहाँ पे गए हैं। तो इस वक्त हम आए हैं वीपा सेंटर के अंदर। हमारे भी तैयारी कर रहे हैं अपने पाकिस्तान जाने की और खरीद फरोख्त कर रहे हैं, तो हम हैं इनके साथ।
पसंद नहीं आया मुझे कुछ यार, क्योंकि मेरा अभी प्रोग्राम नहीं है कुछ लेने का, जब लेना होगा तो फिर आपको दिखाएंगे। सारे आज का प्रोसीजर आपके साथ शेयर किया, जहाँ जहाँ गए आपके साथ शेयर किया। नेक्स्ट वीडियो के लिए देखते रहें हमज़ा काज़ी व्लॉग्स, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।